हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास। पिछले दिन आप लोगों को टेस्ट लिया गया था, सब्जेक्टिव टेस्ट। अच्छा रिजल्ट रहा आप लोगों का, थोड़ा और मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट आएंगे। चलिए उसी क्वेश्चन का आज हम आप लोगों को आंसर बताते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए, सोटेबल आंसर क्या होना चाहिए। इससे उम्मीद है कि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिए हुए थे कि लघु बीजांड लघु युग्मक जनन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या थे, लघु युग्मक जनन क्या है। इनका आंसर लगभग लगभग सभी ने सभी दिए थे। लघु युग्मक जनन क्या है, इसका आंसर देखते हैं। इनका आंसर सभी लगभग लगभग सही दिए थे। आंसर हो जाएंगे लघु युग्मक, सॉरी लघु बीजाणु समसूत्री विभाजन कर, समसूत्री विभाजन कर कर परागकण का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को करते हैं तो इस क्रिया को या फिर इस क्रिया को तो इस क्रिया को लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु युग्मक जनन कहते हैं, या फिर यहाँ पे एक परागकण के जगह नर युग्मक भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या थे कि लघु सॉरी दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या है। इनका आंसर हो जाएंगे, ये सब लिखा है भी, इनका भी आंसर लगभग लगभग सभी ने सही बताए थे। इनके आंसर हो जाएंगे गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन कर, कर चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को लघु युग्मक गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये दो आंसर थे, ये लगभग लगभग सभी ने सभी बताए सही बताए थे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन में कुछ सही भी बताए, कुछ सही नहीं भी बता पाए। चलिए उनका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए उस पर हम लोग बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे, नेक्स्ट क्वेश्चन थे लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में अंतर लिखें। 5 मार्क्स का देखिए, आप लोगों को अंतर सही से सबको लिखने नहीं आता है। अंतर में क्या है कि जब अंतर करते जैसा मार्क्स है वैसा अंतर लिखना। जैसे 5 मार्क्स अगर डिफरेंस पूछा गया तो 5-5 लिखना होगा, अगर 3 मार्क्स का पूछा गया तो 3-3 लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो 5-5 डिफरेंस कम से कम लिखना था। तो उसमें आप लोगों ने सही, और डिफरेंस में एक और तरीका होता है कि जब हम अंतर करते हैं दोनों को तो सेम पॉइंट पर डिफरेंस करें। जैसे दो स्टूडेंट का जब हम अंतर करते हैं दोनों में कि दोनों ये पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में कमजोर है, तो एक ही बात पर डिफरेंस करते हैं ना कि पढ़ाई पे। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज है ये दौड़ने में तेज है, दोनों में अलग अलग हो जा रहे हैं। सिमिलरिटी मतलब जब भी अंतर करना तो सिमिलर पॉइंट पर डिफरेंस करना है। जैसे ये अगर पढ़ने में ये लघु बीजाणुधानी क्या है, ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तो गुरु बीजाणुधानी मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। मतलब एक ही पॉइंट का दोनों में डिफरेंस करना है। आप लोगों को देखे कि यहाँ पे कुछ और बात लिख दिए, उधर कुछ और लिख दिए हुए, तो उसका एग्जैक्ट आंसर देखिए क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर। क्वेश्चन को ना लिखते हुए सीधा हम आंसर को, अच्छा चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। लघु बीजाणुधानी, तथा गुरु बीजाणुधानी
ध्वनि में अंतर अंतर लिखेंगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार पूछा भी गया हुआ है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो अंतर जब भी लिखते हैं ना तो एक ही साथ दोनों को डिफरेंस करना होता है, एक ऐसा लाइन खींचेंगे पहले दोनों तरफ, एक तरफ लिख देंगे लघु बीजाणु ध्वनि और एक तरफ लिख देंगे गुरु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि और गुरु बीजाणु ध्वनि, गुरु बीजाणु ध्वनि। चलिए दोनों में आप डिफरेंस करते हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या है। तो आप लोग जब दोनों का देखे थे तो लघु बीजाणु ध्वनि के अध्ययन के लिए किसको, प्राग कोष को अनुप्रस्थ रूप से काटा गया था और गुरु बीजाणु ध्वनि को कैसे काटा गया था, लंबवत या फिर अनुदैर्ध्य काटा गया था। तो देखिए एक ही बात पर हो रहे थे कि दोनों को कैसे काटा गया अध्ययन के लिए। तो पहला पॉइंट ऐसा ही डिस्कस करते कि सिमिलर, जब भी डिफरेंस करेंगे तो सिमिलर पॉइंट पर दोनों को डिफर बताएंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अध्ययन के लिए, किसके, लघु बीजाणु ध्वनि के अध्ययन के लिए, इसके अध्ययन के लिए, ये किसके अंदर होते हैं, प्राग कोष के अंदर होते हैं, अध्ययन के लिए प्राग कोष को, प्राग कोष को अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, काटते। दूसरा पॉइंट इधर अब आते हैं, गुरु बीजाणु ध्वनि में क्या होंगे, इसके अध्ययन के लिए, इसके अध्ययन के लिए किसको काट रहे हैं यहां पर, अंडाशय, क्योंकि तो अंडाशय के अंदर होते हैं, अंडाशय को अनुदैर्ध्य या फिर लंबवत, अनुदैर्ध्य काट में काटते हैं। देखिए दोनों क्या कि सेम पॉइंट पर दोनों को डिफर कर रहे हैं कि कैसे इसका अध्ययन के लिए कैसे कट कर रहे हैं, इसका अध्ययन के लिए कैसे कट कर रहे हैं, दोनों एकदम सिमिलर। दूसरा बात करते हैं उसमें इसके ये चार परत से घिरे होते हैं, तो लिखते हैं कि यह चार परत कौन कौन से है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड एपिटम से घिरे होते हैं, ठीक है। ये कैसे, ये दो परत से घिरे होते हैं, कौन कौन सा, इनर इंटेग्रमेंट और आउटर इंटेग्रमेंट, बाह्य आवरण और अंत आवरण से घिरे होते हैं। अब जब गुरु बीजाणु ध्वनि की संरचना के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको दिखाए होंगे कि एक बीजाणु में जो है दो परत से घिरे होते हैं, इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट, तो और ये चार परत से थे, ये दो परत से। देखिए एक ही बात पर, एक ही पॉइंट पर हम दोनों को डिफर कर रहे हैं, तो क्या है, यह दो परत कौन कौन से, अंत तथा बाह्य आवरण या फिर इनर तथा आवरण या फिर इनर या फिर आउटर इंट्रूगमेंट से घिरे होते हैं, होते हैं। अब और बात करते हैं एंडोथेसियम, या फिर ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर क्या होते हैं, कौन सा बीजाणु ध्वनि, बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका पाए जाते हैं और इसके अंदर गुरु बीजाणु कोशिका पाए जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। चलिए वो छोड़ के और भी बातें करते हैं, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो लघु बीजाणु को, और इसमें इनर इंटेग्रमेंट और आउटर इंटेग्रमेंट किसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो गुरु बीजाणु को। ये लिखते हैं एपिडर्मिस, एंडोथेसियम,
तथा मिडिल लेयर लघु बीजाणु को सुरक्षा प्रदान करते हैं इसमें क्या आ जाएंगे? दोनों आवरण कह सकते हैं, बाह्य तथा अंत आवरण किसको? गुरु बीजाणु को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए समझ पाए इस बात को कि कैसे कैसे दोनों में डिफर कर रहे हैं। और बात करते हैं इसी पर, एक पॉइंट और उठाते हैं। पांच पॉइंट देखिए कम से कम लिखना है, तो कितना लिख चुके हैं? एक दो तीन, और दो लिखना है तो एक और लिखते हैं। इसमें पहले क्या है, ये तीनों इसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसको? लघु बीजाणु को। लघु बीजाणु को भोजन प्रदान कौन कर रहे हैं? तो टैपिटम कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? टैपिटम किसको? लघु बीजाणु को भोजन प्रदान कर रहे हैं, पोषण प्रदान करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे? निसिलस, इसमें कौन भोजन प्रदान करते हैं? निसिलस किसको? निसिलस जो है गुरु बीजाणु को। निसिलस गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। समझ पाए ये कितना? इसमें कौन भोजन प्रदान कर रहे हैं, इसमें कौन भोजन प्रदान कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण का निर्माण होते हैं, गुरु बीजाणुधानी के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होते हैं, या फिर मादा युग्मक का निर्माण होते हैं, इसमें नर युग्मक का निर्माण होते हैं। तो देखिए अंतर कैसे किए, दोनों के एकदम सेम पॉइंट पर डिफरेंस किए हैं। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएंगे, किसके अंदर लघु बीजाणु, इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और इसमें क्या आएंगे, इसके अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये पांचों अंक देखिए, 1 2 3 4 5, ये पांच डिफरेंस, ऐसा कोई डिफरेंस है जो आप लोग नहीं जान रहे थे? सब जान रहे थे, बट ऐसा डिफरेंस कीजिए ताकि सेम पॉइंट पर ही, सेम स्टेटमेंट पर ही दोनों को डिफर किया जाए। जैसे यहाँ पर जब हम बात किए परत का, तो इधर भी परत का ही बात की, इसमें सुरक्षा की बात की तो इसमें भी सुरक्षा की ही बात की, इसमें जब भोजन की पोषण की बात की तो इसमें भी पोषण की, मतलब सिमिलर जब बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो दोनों में उसमें देखें कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, किसमें क्या लॉस हो रहा है, और वो काम दोनों में कौन कर रहे हैं, उस चीज को देखते हुए दोनों को डिफरेंस करते हैं। चलिए इस डिफरेंस को समझ पाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम लोग इसके बाद बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण में। चलिए कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो अभी हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर को समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर,
अंतर। तो ये दोनों सब पढ़ा हुआ पॉइंट है, सिर्फ इसको हम लोग कैसे अंतर करना है उस बात को हम बता रहे हैं यहाँ। चलिए आंसर क्या आ जाएंगे, तो पहले बताया था कि अंतर जब भी क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का है तो 3 लिखना है, 5 मार्क्स का है तो 5 लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद एक तरफ लिख देंगे स्वपरागण, एक तरफ लिखेंगे परपरागण। स्वपरागण पर परागण, अब समझते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस क्या क्या। तो स्वपरागण आप लोग समझे थे कि जब परागकण परागकोष से निकलकर उसी पुष्प के या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के पास, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जब परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या फिर गिरता है, पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। परपरागण में जब परागकोष से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पादप के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के परागण आ रहे थे, एक आ रहे थे स्वयुग्मन और दूसरा आ रहे थे सजातीय पुष्प, तो उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे दोनों मिलकर एक कह रहे हैं और ये एक अलग हो रहे थे, तो ये कह सकते हैं। इसका उदाहरण पहले उठा लेते हैं, इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण मक्का, गेहूं इत्यादि और भी जो होंगे, इसका उठाते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण पपीता, खजूर इत्यादि। देखिए ये जो भी उदाहरण लिए हैं ये सब जो है मोनोसियस उभयलिंगाश्रयी पादप के हैं, और ये जो भी उदाहरण है ये सब एक लिंगाश्रयी पादप के और ये द्विलिंगाश्रयी पादप के, मतलब ये मोनोसियस प्लांट है, ये सारे के सारे डाइसियस प्लांट है। चलिए और एक इस पर बात लिखते हैं, यह क्रिया या परागण इसमें मोनोसियस को मैं कहते हैं उभयलिंगा या एक लिंगाश्रय पादप में होते हैं और यह परागण किसमें यह परागण
द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी पादप में होते हैं। चलिए और देखते हैं, और ये क्या है, ये एक लिंग पुष्प मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही ज्यादा होते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी ये होते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल दोनों में हो सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होंगे। चलिए इस बात को लिखते हैं, या परागण या फिर या क्रिया या परागण एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी द्विलिंगी पुष्प में एकलिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प में होता है, या क्रिया कौन सा पुष्प होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ द्विलिंगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी नहीं, एकलिंगी यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी पुष्प हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, उसमें होते हैं। ये दोनों पुष्प में हो सकते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल कह सकते हैं जिसको द्विलिंगी कहते हैं, जिसमें दोनों नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, और एकलिंगी जिसमें सिर्फ और एक ही पाए जाएंगे, तो उसी तरह ये एकलिंगी पुष्प में होंगे और ये दोनों में हो सकते हैं। और एक अंतर कितना अंतर हो गया, 1 2 3 4 पांचवा अंतर दे देते हैं। इसके लिए जो है क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों फ्लावर होना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कैस्मोगैमस क्लेस्ट्रोगैमस इसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर अगर बंद रहेंगे तो ये परपरागण नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए के परपरागण के लिए सिर्फ खुला हुआ पुष्प होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, इस परागण के लिए खुला पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उन्मूल्य पुष्प। की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या होंगे, इस परागण के लिए, या फिर सीताली देते, इसके लिए कौन कौन सा, क्लेस्ट्रोगैमस तथा कैस्मोगैमस इसके लिए क्लेस्ट्रोगैमस तथा कैस्मोगैमस की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्लेस्ट्रो और कैस्मो का दोनों का हिंदी पहले भी लिखे हुए हैं, इसलिए कब देखिए ज्यादा स्पेस नहीं, इसलिए उतना ज्यादा नहीं लिखते हैं, सीधा एक टर्म में ही बात को खत्म करते हैं। तो 5 डिफरेंस दिखे, 1 2 3 4 5 एकदम सेम बात पर दोनों पर हम डिफरेंस किए हैं। यह भी लिख सकते हैं कि स्वपरागण के लिए होमोगैमी की आवश्यकता होती है, और या फिर होमोगैमी मदद करते हैं, और परपरागण के लिए हाइपोगैमी मदद करते हैं, यह भी एक पॉइंट बन सकते हैं। तो चलिए आप 5 ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, अगर लिखना चाहते तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा कि इसके लिए होमोगैमी की आवश्यकता होती है और इसके लिए हाइपोगैमी की आवश्यकता होती है। हाइपोगैमी होमोगैमी भी समझाए थे क्या होते हैं।
तो ये 5 पॉइंट समझ पाए कि जब पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प या फिर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों परागण देखने के लिए मिल रहे थे कि एक तरह का द्विलिंगी पुष्प में हो रहे थे और एक एकलिंगी पुष्प में हो रहे थे। द्विलिंगी पुष्प में तो एक ही पुष्प में हो जा रहे थे, किसी दूसरे पुष्प के पास जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन द्विलिंगी पुष्प एकलिंगी पुष्प का मतलब ये हुआ कि एक ही पादप में नर मादा नर वाला पुष्प अलग है और मादा वाला पुष्प अलग है, तो एक ही पादप में जब परागकण का क्रिया हो रहे हैं तो उसको भी हम लोग स्वपरागण ही बोलेंगे। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि इस परागण के द्वारा उत्पन्न नए पौधे या नए जीव आनुवंशिकी के आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं तथा कार्यिक रूप से समान और भिन्न दोनों हो सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, इस परागण के द्वारा उत्पन्न नए जीव या नए पौधे आनुवंशिकी तथा कार्यिक रूप से भिन्न होते हैं, दोनों रूप से ये भिन्न होते हैं और ये दोनों रूप से समान भी हो सकते हैं। आनुवंशिक तो समान होंगे ही होंगे, कार्य रूप से समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए जिटनोगैमी में भिन्न होते हैं बट ऑटोगैमी में सिमिलर होते हैं। तो दोनों को जब मिलाकर डिफरेंस करेंगे तो ऐसे करेंगे कि इसमें जो है जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से समान होंगे, कोई अंतर नहीं होंगे, और ये आनुवंशिक रूप से भिन्न होंगे, ये भी पॉइंट बनते हैं। ये भी कह सकते हैं उसमें और एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि ये कार्यक रूप से समान और भिन्न दोनों हो सकते हैं, ये कार्यक रूप से भिन्न होते हैं। ये कितना पॉइंट निकल गया, वैसे बहुत सारे निकल जाएंगे लेकिन हम लोग को पांच ही जानना था, तो वो पांच को लिखे हुए हैं। आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो जो जो बात बोलने बढ़ाकर आप लिख सकते हैं, इनको लिखिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचते हैं भ्रूणकोष वाला, इनको लिखिए। अब बात करते किस पर, भ्रूणकोष। तो भ्रूणकोष की जो विकास में जो आंसर लिखे बहुत कोई नहीं लिखे, कुछ डायग्राम थी, इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में डायग्राम, अगर क्वेश्चन में डायग्राम है अगर नहीं भी लिख पाते हैं तो उस डायग्राम को बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा आधा मार्क्स तो होता है कि दे ही देंगे। जैसे पिछले क्लास के जो क्वेश्चन थे पिछले टेस्ट के, तो क्वेश्चन थे क्या भ्रूणकोष के विकास के बारे में लिखें या भ्रूणकोष के विकास को समझाएं तथा उनके सचित्र भ्रूणकोष के सचित्र वर्णन करें या चित्र को बनाएं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तो उसमें क्या थे कि पहले विकास कैसे हो रहे थे, परागकण का ये भ्रूणकोष का विकास कैसे हो रहे थे, उसके बाद भ्रूणकोष की संरचना। तो देखिए एक ही डायग्राम में पूरा हम बना सकते हैं, ये जो क्वेश्चन का आंसर एक ही डायग्राम में पूरा दे सकते हैं, 6 मार्क्स का एग्जाम में नहीं पूछे जाते, 5 मार्क्स का ही पूछे जाते हैं बट हम 6 मार्क्स का पूछ दिए थे। तो एक ही में कैसे उसको मर्ज करना है, तो क्वेश्चन क्या थे कि भ्रूणकोष की विकास के लिखें या भ्रूणकोष के विकास का वर्णन करें, भ्रूण कोष की विकास का वर्णन करें तथा भ्रूण कोष की संरचना बनाए या भ्रूण कोष की चित्र बनाए, संरचना को लिखें या चित्र बनाए, एक ही बात हुई। चलिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। भ्रूणकोष के विकास का वर्णन करें तथा भ्रूणकोष की चित्र बनाए, भ्रूणकोष का या की चित्र बनाए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम सेम, इसका जो आंसर होंगे जो कल क्वेश्चन दिए थे उसका भी आंसर सेम होंगे। तो एक ही में हम कैसे बना सकते हैं, अगर मान लीजिए टाइम कम है एग्जाम में तो क्या करेंगे, उतना लंबा थोड़ी लिख पाएंगे, तो सीधा करेंगे डायग्राम दिखाएंगे, एक डायग्राम से आंसर लेते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना है तो 5 मार्क्स में 4 मार्क्स 3+ कैसे लेंगे, तो सबसे पहले एक डायग्राम दिखाएंगे, ये डायग्राम आपको याद होंगे, ये डायग्राम किस चीज के हैं, बीजांड के हैं, ठीक है। ये बीजांड के हैं, इसमें बहुत सारे क्या निश्चलसिल भरे हुए थे, ठीक है, ये चैलेजल थे, ये माइक्रोपाइलरी थे, सॉरी ये माइक्रोपाइलर थे, ये चैलेजल थे, ये ऐसा कर सकते हैं पहला। अब इसी को थोड़ा और डिफाइन करेंगे, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे शॉर्ट में इंटेगुमेंट या फिर आवरण, और इसको लिख दीजिएगा निश्चलस, शॉर्ट में लिखना है, इतना लंबा नहीं करना। इसके बाद और क्या करेंगे, इसके बाद ये इंटेगुमेंट को उतना नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक इंटेगुमेंट को दिखाएंगे, एक इंटेगुमेंट को दिखाएं, इसके अंदर निश्चलसिल को दिखा देंगे कि जो भी निश्चलसिल है वो एक अपना
लेयर बना लिए हैं ताकि ये जो एमएमसी सेल इसके अंदर होंगे वो जब विकास करेंगे तो उसको भोजन ये दे पाए। ये हो गए। अब इसके अंदर सिर्फ जो है एक ऐसे दिखा दीजिए, शॉर्ट में एकदम देखिए अच्छा मार्क्स देते हैं। ये जैसे होगा इसको क्या लिख देंगे, न्यूसेलस, और इसको एमएमसी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको और एक बढ़ाते हैं। अब एक क्या करते हैं, डायग्राम लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उतना ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ये होगा। इसके अंदर ये जो है चार दिखा दीजिए, एक दो तीन चार, इसको लिख दीजिए मेघा स्पोर टेट्राड, मेघा स्पोर टेट्राड, चार मेघा स्पोर बन गए थे। अब इसमें से ये तीनों को ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए और इसको सिर्फ लिख दीजिए फंक्शनल मेघा स्पोर, क्रियाशील मेघा स्पोर, मेगा स्पोर। ठीक है, देखा। अब इसको और थोड़ा और करते हैं, फिर इसमें न्यूसेलस को दिखाते हैं। ओके, न्यूसेलस दिखा दिए। अब इसके अंदर एक सिर्फ दिखा दीजिए, इसको लिख देंगे फंक्शनल मेघा स्पोर, फंक्शनल मेघा स्पोर हो जाएंगे। अब दिखाएंगे ये, अब फंक्शनल मेघा स्पोर का सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, अब ये निश्लस का नहीं बनाएंगे। फंक्शनल मेघा स्पोर का जो न्यूक्लियस वो डिवाइड कर रहे थे, तो पहले क्या डिवाइड किए, ये एक न्यूक्लियस है, इसको सीधा ऐसे लिख लेते हैं और इसको लिख देते हैं, यही बात को फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल, या फिर इस डायग्राम को ना बनाकर सीधा यही बना दीजिएगा, इस डायग्राम को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी को बना देते हैं। ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर, मेघा स्पोर। और फिर इसको और आगे देखते हैं, एक न्यूक्लियस यहां दे दीजिए, एक न्यूक्लियस यहां दीजिए, बीच में सेंट्रल वैक्यूल लेते हैं। हो गए। इसके बाद फिर दिखा देंगे एक दो, आप यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट माइटोसिस, यहां पे लिख दीजिए सेकेंड माइटोसिस। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देंगे, थर्ड वाला, थर्ड में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ओके, इसको लिख देंगे थर्ड माइटोसिस, मतलब तीन बार माइटोसिस करके आठ के अंदर बना लिए। अब इसको आगे एक और डायग्राम दिखा दीजिएगा, इसको दिखा दीजिएगा एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, ये लिखा दीजिएगा। अब इसको, अब जो है इसका भ्रूण कोष का स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना दीजिएगा। ये डेवलपमेंट हो गए, कैसे हुए कि पहले हम लोग वो बिल का संरचना देखें, बीजांड की संरचना देखें, बीजांड के अंदर न्यूसेलस भरे हुए थे, उसमें मेघा स्पोर सेल भी थे, एक एमएमसी थे और न्यूसेलस अपना लेयर बना लिए। ये मेघा एमएमसी सेल जो है म्यूसिस किए, चार मेघा स्पोर को बनाए, उसमें से तीन डीजेनरेटर गए, एक फंक्शनल बच गए, फंक्शनल वाला का डायग्राम बनाए, फंक्शनल वाला का न्यूक्लियस जो है एक बार डिवाइड किया, फर्स्ट माइटोसिस किए, दो न्यूक्लियस बनाए, फिर जो है ये सेकंड माइटोसिस किए तो चार न्यूक्लियस बनाए, थर्ड माइटोसिस किए तो आठ न्यूक्लियस बनाए। अब ये आठ न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज कर लिए, दो सेंटर में चल गए और तीन पेरिफेरल जोन में किनारे में रह गए। अब ये सब अपना केंद्रक बनाने की कोशिश करेंगे, अपना कोशिका भित्ति को बनाने की कोशिश करेंगे। इसको यहाँ पे सब में लिख दीजिएगा, ये चैलेंजर, ये माइक्रो, शॉर्ट में दिया सी एम सी सी एम सी एम। चलिए इसमें दिखा देंगे ऐसे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, सीधे में जो पेड़ है ना, पेड़ सीधे सीधे, देखो सीधे में जो पेड़ है राइट साइड पर,
ये हो गया। अब देखिए इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे एंटीपोडल, एंटीपोडल से इसको क्या बोल देंगे, एक एपेरेटस, एक एपेरेटस। इसको क्या बोल देंगे, सेंट्रल से, सेंट्रल से। इतना कम से कम ये इतना दिखा दीजिएगा, अगर 5 मार्क्स के हैं तो वो आपको मिनिमम 4 मार्क्स देंगे। अब लिखने की बात हुई तो थोड़ा लिख भी दीजिएगा, नहीं लिखने की बात हुई तो छोड़ दीजिएगा, इतना कम से कम बना दीजिएगा। और यहां तक लिख दीजिएगा ये, इसको एक एरो करके ऐसे यहां तक दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहां पर भ्रूणकोश का विकास, और यहां लिख दीजिएगा भ्रूणकोश की संरचना। इतना विकास का प्रोसेस हुए और ये उसका संरचना हुआ। तो आप सिर्फ इतना ही बना दीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब लिखने की बात रही तो सिर्फ भ्रूणकोश की, जो अभी वो एक स्टूडेंट ऐसे थे जो इन्होंने बहुत लंबा लिखे थे, उतना लंबा नहीं लिखता है। क्या करना है, ये डायग्राम एक तीन, ये पहले इतना डायग्राम बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना डायग्राम बना देना है। और इस डायग्राम में सिर्फ ये लिख देना है कि MMC सेल जो है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर सेल भरे होते हैं, उसमें एक MMC सेल होते हैं, वो एक MMC सेल जो है मियोसिस करके 4 मेगास्पोर को बनाते हैं, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनर बचते हैं। एक मेगास्पोर का जो नाभिक है एक बार माइटोसिस करते हैं, 2 बनाते हैं, और 2 बार माइटोसिस करते हैं तो 8 केंद्रक को बनाते हैं। जब 8 केंद्रक को बना लेते हैं तब जाके वो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। इतना ही लिख देना है, उसके बाद ये डायग्राम को बनाना है। इस डायग्राम के बारे में जो थोड़ा सा लिखना है, एंटीपोडल सेल क्या है, सेंट्रल सेल क्या है, एक सेल एक एपरेटस क्या है। आप यहाँ पे एक और फिलीफॉर्म एपरेटस दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, दिखा दीजिएगा यहाँ पे एक एपरेटस, सॉरी फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके बाद इसमें लिख दीजिएगा लास्ट में एक लाइन कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में, पुष्पीय पादप के परिपक्व भ्रूण कोश में 7 केंद्रक और 7 कोशिका उपस्थित होते हैं। ये जब लिख दीजिएगा आपको 5 उतना थोड़ा बहुत अगर लिख दीजिएगा इसमें तो 5 का 5 मार्क्स देंगे, और नहीं लिखिएगा सिर्फ इतना ही बना दीजिएगा तो आपको वो 4 मार्क्स देंगे ही, एटलीस्ट हो सकते हैं 5 भी दे दें, क्योंकि देखिए ये डायग्राम में सब चीज बता रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलप हुए हैं और उसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या है। और इसको थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको एक सेल, ये दोनों को सिनर्जिक सेल, और ज्यादा डिफाइन हो जाएंगे। या फिर आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिखिएगा, ज्यादा नहीं, इतना डायग्राम जरूर लिख बनाइएगा, नहीं लिख पाइएगा कोई बात नहीं है, लेकिन डायग्राम को जरूर बनाइएगा क्योंकि यही मार्क्स आपको देंगे। चलिए समझ पाया आप क्या भ्रूण कोश के विकास का वर्णन करें और उसकी संरचना को दिखाना है तो ऐसा ही डायग्राम बना के देखें, और सबको किस तरह बनाना है वो भी समझा दिए। अगर कुछ लिखने का मन हो तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, नहीं मन हो तो छोड़ दीजिएगा, कम से कम इतना तो जरूर कीजिएगा जो कि 5 में से 4 मार्क्स आपको दे दे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे आप बंद करते हैं, नेक्स्ट डे आप लोगों का जो है चैप्टर पर फिर आएंगे।